हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉय बोट फन एक्टिविटी सेगमेंट। आज हम बनाएंगे एक हेलोवीन थीम मास्क जो आप अपने किट के लिए बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए एक A5 शीट जो कि A4 शीट का हाफ होता है, और हमें चाहिए एक स्क्वायर शीट डिफरेंट कलर में जो एक पॉपअप ऐड करेगा हमारे मास्क में, और हमें चाहिए एक वायर। ये एक फैब्रिक वायर है, इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है जो कि इजीली बेंड हो जाता है किसी भी शेप में, और सो इससे हम स्पाइडर क्रिएट करेंगे मास्क में कुछ स्पूकी इफेक्ट देने के लिए। सो आप देख रहे हैं कि ये वायर किसी भी शेप में इजीली बेंड हो जाता है। और हमें चाहिए साथ में वेलक्रो जिससे हम मास्क को वियर करने में जो हमें हेल्प करेगा, तो हम इसको मास्क में ऐड करेंगे तो हमें वियर करने में ये हेल्प करेगा वेलक्रो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम A5 शीट लेंगे और इस पर एक मास्क का शेप ड्रॉ करेंगे जो भी हमें मास्क चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हेलोवीन मास्क है, तो मैं उसी थीम में कुछ मास्क ड्रॉ कर रही हूँ। शेप आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसमें आइज़ ड्रॉ करेंगे जिसको मास्क को लगाकर जिससे हम सी कर सकते हैं। आइज़ का कटआउट करेंगे तो आइज़ को थोड़ा बिग बनाएंगे, प्लस हम बनाएंगे इसके फॉरहेड पे एक पम्पकिन। और जैसा कि मैंने बताया था कि वायर से हम इसमें स्पाइडर ऐड करेंगे, तो चलो अब इसको जल्दी कट कर लेते हैं। ये मैंने दो डिफरेंट कलर के कटआउट बनाए हैं, ऐसा आप भी डिफरेंट कलर के मास्क बना सकते हैं। अब हम फैब्रिक वायर से स्पाइडर बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो चलो जल्दी से स्पाइडर बना लेते हैं। अभी स्पाइडर बन के रेडी है। ये मैंने दूसरी स्पाइडर भी बना ली है दूसरे मास्क के लिए। या तो हम दो डिफरेंट मास्क बना सकते हैं, या एक ही मास्क को हम पेस्ट करके भी बना सकते हैं। अब हम एक स्क्वायर शीट लेंगे और उस पर पम्पकिन को ड्रॉ करेंगे, बिकॉज उसके कटआउट को हमें मास्क के सेंटर में लगाना है। सो चलो ड्रॉ कर लेते हैं पम्पकिन, और उसके बाद उसको कट करके पेस्ट करते हैं। ये पम्पकिन बन के रेडी है, तो अब हम इसका प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं, प्लस हम स्पाइडर का भी प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं कि हम इनको कहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद हम कोई भी ग्लू गन से इसको पेस्ट कर लेंगे। मैं अपना ले रही हूँ फेविकॉल का शू फिक्स, ये बहुत स्टिकी नहीं है और ईजिली फिक्स कर देता है चीज़ों को। सो चलो चेक कर लेते हैं। अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं एक मास्क बनाऊँ या दो मास्क बनाऊँ, तो मैंने डिसाइड किया कि हम एक ही मास्क को दो कलर्स में बनाते हैं, सो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और मैंने उसका प्लेसमेंट कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया है, आप किसी भी तरह से अपनी चॉइस के हिसाब से उसको लगा सकते हैं। तो चलो अब इसको पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा मास्क रेडी हो गया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में वेलक्रो को पेस्ट करेंगे जो कि हमें मास्क को वियर करने में हेड पे हेल्प करेगा। तो चलो जल्दी से वेलक्रो को पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए एक ब्यूटीफुल सा मास्क बन के रेडी है जिसे आप किसी भी क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी या किसी थीम पार्टी में वियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। थैंक यू।